हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीटी स्टैंड्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया टॉलरेंस या नन। तो बीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस थुरिंजेंसिस। बेसिलस थुरिंजेंसिस इज अ बैक्टीरियम। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिलस थुरिंजेंसिस। क्वेश्चन नंबर टू है कि इन बीटी कॉटन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। बीटी कॉटन में एक बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यू में प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, प्रो फॉर्म में, और ये प्रो फॉर्म से एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से? तो ये कन्वर्ट होता है इंसेक्ट के गट में प्रेजेंट होने वाले पीएच की वजह से, एल्कलाइन पीएच की वजह से। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉटन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉटन बॉलवर्म। कॉटन बॉलवर्म नाम की डिजीज से बचाने के लिए किस जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉटन में? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्राई फर्स्ट एग एंड क्राई सेकेंड एग। ये दो क्राई जीन्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके कॉटन बॉलवर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि द जेनेटिक डिसऑर्डर कैन बी क्योर्ड थ्रू। जेनेटिक डिसऑर्डर क्योर की जाती है किसके द्वारा? जीन थेरेपी के द्वारा। जीन थेरेपी से जेनेटिक डिसऑर्डर को सही कर सकते हैं। नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज स्टार्टेड सेलिंग ह्यूमुलिन इन द ईयर 1983। ह्यूमुलिन इज द इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम ह्यूमन सेल्स। तो 1983 में ह्यूमुलिन का प्रोडक्शन हुआ और इसको बेचना स्टार्ट किया। किस कंपनी ने इसको सेल करना स्टार्ट किया था सबसे पहले? तो इसका आंसर होगा एली लिली। एली लिली वो कंपनी थी जिसने ह्यूमुलिन को 1983 में बेचना स्टार्ट किया गया था। नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टू पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन मतलब ह्यूमुलिन की जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं ये एक दूसरे से लिंक होती हैं। किस बॉन्ड के द्वारा? फॉस्फोडाइस्टर, कोवेलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, विच काइंड ऑफ थेरेपी वॉज गिवन इन 1990 टू अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल विद ADA डेफिशिएंसी। ADA मतलब एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। किस तरीके की थेरेपी दी गई थी 4 साल की बच्ची को 1990 में? 4 ईयर ओल्ड गर्ल जो थी उसको ADA डेफिशिएंसी के लिए कौन सी थेरेपी दी गई थी? तो वो थी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी टू क्योर ADA डेफिशिएंसी। ओके, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ADA, एडिनोसाइन डी एमिनेज नाम का ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम कहाँ बनता है बॉडी में? ये एंजाइम बनता है लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स में प्रोडक्शन होता है ADA का। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, पोटेंशियल पैथोजेंस फॉर बायो वेपन्स आर। बायो वेपन्स जो कि वॉर्स वगैरह में यूज़ करने जाते हैं, तो यहाँ पे जो बायो वेपन्स बोले गए हैं वो कौन कौन से हैं? पोटेंशियल पैथोजेंस कौन कौन से हैं जो कि बायो वेपन्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं? बेसिलस एंथ्रेसिस, येरेसिनिया पेस्टिस, विब्रियो कोलेरिया। तो ये तीनों ही यूज़ किए जा सकते हैं बायो वेपन्स के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ। सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करने वाले ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से हैं? तो वो हैं माइस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन है, फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया। इंडिया में कमर्शियली रिलीज किया गया पहला जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट कौन सा है? तो वो है बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है कि बायोपिरेसी मीन्स, बायोपिरेसी का मतलब क्या होता है? सो बायोपिरेसी इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट ऑथेंटिक परमिशन। बिना कोई ऑथेंटिक परमिशन लिए
बायो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करना बायोपिरेसी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू। जो आरएनए इंटरफेरेंस नाम की प्रोसेस है, ये प्रोसेस प्लांट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये जो प्लांट है ये किसके रेजिस्ट बनाए जाते हैं? तो ये निमेटोड्स के अगेंस्ट रेजिस्ट किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? जीएक स्टैंड्स फॉर, जीएक मतलब क्या है? जीएक स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ऑप्शन नंबर सी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी को जीएक बोलते हैं शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है अ ह्यूमन प्रोटीन विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक एनिमल एंड इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसिमा। एक ऐसी ह्यूमन प्रोटीन जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन की जा रही है और उसको एम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है, कौन सी है वो प्रोटीन? वो प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्लियर विच एनिमल वर यूज टू टेस्ट द वैक्सीन। वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए किस एनिमल का यूज किया गया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसजेनिक माइस, माइस का ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो होती हैं वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाती हैं। तो ये जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई जाने वाली वैक्सीन हैं, इनमें से कौन सी हैं ऐसी ही सेकेंड जनरेशन की वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन, हर्पिस वायरस वैक्सीन, साक्स पोलियो वैक्सीन या बोथ ए एंड बी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन और हर्पिस, मतलब ए और बी दोनों। तो हम इसका राइट ऑप्शन लगाएंगे बोथ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसजेनिक प्लांट फ्लेवर सेवर टोमेटो कैरीज एन आर्टिफिशियल जीन ऑफ। एक फ्लेवर सेवर टोमेटो नाम का ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसमें आर्टिफिशियल जीन्स हैं। किस किस के? डिलेड राइपनिंग प्रोसेस, लॉन्गर सेल्फ लाइफ, एनहेंस फ्लेवर। ऐसे आर्टिफिशियल जीन्स हैं जो कि फ्लेवर को भी एनहेंस करते हैं, लाइफ को इंक्रीज करते हैं, मतलब डैमेज नहीं होता है। डिलेड राइपनिंग प्रोसेस, जो इसकी पकने की प्रोसेस होती है उसको डिले कर देते हैं जिससे कि खराब नहीं होता, डैमेज नहीं होता है टोमेटो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फैट एनरिच मिल्क, प्रोटीन एनरिच मिल्क, विटामिन एनरिच मिल्क या ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क। तो जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जिसका नाम था रोजी, इससे प्रोडक्शन करवाया गया ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क का, मतलब इससे जो मिल्क प्रोड्यूस होता था उस मिल्क में ह्यूमन प्रोटीन भरपूर मात्रा में थी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन इन ट्रांसजेनिक काउ। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ह्यूमन एनरिच मिल्क होता था, ये ट्रांसजेनिक काउ का जो मिल्क प्रोडक्शन कराया गया वो मिल्क ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क था जिसमें कि लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की एक प्रोटीन थी। अब इसका अमाउंट कितना होता है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का अमाउंट कितना होगा पर लीटर मिल्क में? तो इसका अमाउंट होगा 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।